राम राम, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की कैथल से बड़ी खबर के साथ। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाई। स्वस्थ रहने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन जरूरी है, उनकी तरफ से कहा गया। मैराथन दौड़ में युवाओं ने भारी संख्या में भाग लिया है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने खिलाड़ियों की तारीफ की और कहा कि हरियाणा के खिलाड़ी ओलंपिक में छाए हैं। विनेश फोगाट मामले पर भी बोले सांसद कार्तिकेय शर्मा, विनेश ने दमखम के साथ खेल दिखाया, विनेश को मेडल मिलना चाहिए। कार्तिकेय शर्मा, पूरा देश विनेश के साथ है, ये कहते हुए नजर आए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सांसद कार्तिकेय शर्मा की तरफ से ये बयान दिया गया है और कहा कि स्वस्थ रहने के लिए इस तरह के आयोजन जरूरी हैं। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत होने की है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर इस तिरंगा यात्रा को रवाना किया। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाई है। स्वस्थ रहने के लिए इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, ये कार्तिकेय शर्मा की तरफ से कहा गया है। बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया है इसमें। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाई है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने खिलाड़ियों की तारीफ की और कहा कि हरियाणा के खिलाड़ी ओलंपिक में छाते हुए नजर आए हैं। विनेश फोगाट मामले पर भी बोले सांसद कार्तिकेय शर्मा, कहा कि विनेश ने दमखम के साथ खेल दिखाया, विनेश को मेडल मिलना चाहिए, पूरा देश विनेश के साथ है। देखिए, ये एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन का कि हम जिस एक इस भावना के साथ इस पूरे कार्यक्रम में जुड़ते हैं हमारे युवा साथी और बच्चे, कि एक तरफ तो हमारा 15 अगस्त का कार्यक्रम भी है और एक तरफ ये फिटनेस से लेकर मैराथन का एक ये इस तरीके का एक सिस्टम बनाया गया है जहाँ पे सब युवा जुड़ते हैं और ये बहुत ही सक्सेसफुल महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम सबको इसमें मिलजुल के हिस्सा लेना चाहिए। महत्व और भी बढ़ जाता है और हम सभी ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि जब भी स्पोर्ट्स की बात आती है, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे एशियन गेम्स हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या ओलंपिक्स हो, तो हरियाणा हमेशा सबसे आगे रहता है। आज भी आप देखें तो सबसे ज़्यादा मेडल हरियाणा के ही हैं और इसके लिए मैं हरियाणा की जनता को, हरियाणा के लोगों को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ और मुबारकबाद देना चाहता हूँ, खासकर उन चार बच्चों को जिन्होंने ऑलरेडी जीत दर्ज की, हरियाणा का नाम, अपने क्षेत्र का, अपने गाँव का नाम ऊंचा किया है, सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में भारत का झंडा फहराने का काम किया है। इसके लिए वे चारों बहुत बधाई के पात्र हैं, चाहे मनु भाकर की बात करूं, चाहे अमन की बात करूं, सरबजोत की बात करूं या नीरज चोपड़ा की करूं, उन्होंने गौरवान्वित किया है पूरे हरियाणा को और पूरे देश को। मैंने एक बात सदन में भी कही थी, मैंने विनेश के लिए भी कहा था कि एक हमारा मेडल रह गया वहाँ पर, और मैंने ये भी कहा था कि हमारे बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, क्षमता की कोई कमी नहीं है और हरियाणा के बच्चों ने बार बार ये बात दिखाई है और हरियाणा के बच्चे पूरे भारत के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर उभर के निकले हैं और मैं समझता हूं कि पूरा देश हरियाणा के बच्चों से, स्पोर्ट्स पर्सन से प्रेरणा लेगा, वो प्रेरणा के सूत्र बनेंगे और ये कहीं ना कहीं इसका श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी जाता है और हमारी हरियाणा की मिट्टी को भी जाता है कि हरियाणा की मिट्टी के अंदर ही कुछ ऐसा है, मिट्टी की तासीर के अंदर ही कुछ ऐसा है कि स्पोर्ट्समैन अपने आप ही उभर के निकलता है। कार्तिकेय जी, विनेश फोगाट को लेकर जो विपक्ष काफी सरकार पर आरोप लगा रहे, क्या कहना चाहिए? देखिए, वो हमारे देश की बेटी है और हमारे देश का नेतृत्व कर रही थी वहां पर। मैं मानता हूं कि ऐसे विषय के ऊपर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और हमें सबको, चाहे किसी भी पार्टी के हों, सबसे अलग उठ के एक होकर देश की आवाज उठानी चाहिए जो कि वहां उठाई जा रही है माननीय हरीश सालवे द्वारा। और मेरा ऐसा मानना है कि जो सही है उसके साथ पूरा देश खड़ा होता है और हम पूरी भारत की भावना है कि विनेश को मेडल मिलना चाहिए था।